अटेंड योर रोल कॉल प्लीज. रोल नंबर वन मॉर्निंग के स्टूडेंट्स. वन प्रेजेंट. प्रेजेंट मैम. थ्री. प्रेजेंट मैम. फोर. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. सिक्स. प्रेजेंट मैम. सेवन. एट. प्रेजेंट मैम. सेवन एब्सेंट है उसामा. एट. टेन. प्रेजेंट. अलेवन. प्रेजेंट मैम. टेन प्रेजेंट. हाँ जी टेन. इलेवन. एक मिनट सर, अभी वेटिंग रूम में कोई आ गए इनको भी ऐड कर लें. अच्छा जी. टेन अलेवन भी प्रेजेंट है. मैम प्रेजेंट. थर्टीन. सिक्सटीन. थर्टीन एब्सेंट है. ताहिरा. सिक्सटीन. सेवनटीन जी. सिक्सटीन. सेवनटीन मैम. 18 present ma'am. 21 present ma'am. 23 present. 24 25 present, present. ma'am. 24 present hai. Ali Raza ji ma'am present. Acha acha. 25 present. 26 present ma'am. 27 present ma'am. 28 present ma'am. 29 present ma'am. 31 ma'am. 13 roll number present hai. 13 present hai. Acha acha. Tahira bhi aa gayi. Theek hai. 31 32 33 present ma'am. 34 Rimsha Adiba ma'am present ma'am. Rimsha absent hai ma'am, wo chali gayi hai chhod ke. Ha Rimsha chhod ke chali gayi, sorry. Acha ji. Zeenat 40 present ma'am. 44 present ma'am. 45 46 present ma'am. 47 49 50 49 present hai. 50 bhi. Wo to kyun nahi bol rahi hai, pata nahi meeting mein baithe hain, koi issue na ho. 51 present ma'am. 52 present ma'am. 54 ma'am ye bhi present hai. Nizam हो गया जी. चलो. अच्छा जी, अब आप इवनिंग के स्टूडेंट्स भी अटेंटिव प्लीज. रोल नंबर वन अब्दुल कयूम. जुनैरा मुश्ताक प्रेजेंट. रोल नंबर थ्री प्रेजेंट. Four, five, present. Six, yes ma'am. Seven, eight, nine, present ma'am. Nine present है, eight absent है, है ना? Yes ma'am. Ten, 11, 12, present. 13 present. 14 present. 15 present ma'am. 16 17 present. 18 present. 19 20 present. 21 22 23 25 26 present ma'am. 27 28 present ma'am.
38 रुकैया प्रेजेंट मैम हाँ जी 39 प्रेजेंट मैम 40 प्रेजेंट मैम 41 42 प्रेजेंट मैम 43 प्रेजेंट मैम 44 45 present 46 47 49 present 51 present 52 53 54 55 57 58 59 present. 58 Miss Ma present 59 present 60 present ma'am 61 present ma'am 66 67 68 69 present 69 is present aur abhi 55 aaya hai 55 Rana Mateen Rana Mateen 47 hai Sham okay ma'am 37 13 present अच्छा जी 37 जी बोले मैम मॉर्निंग का 45 147 खत्म हो गया उसकी पंच हो गई मॉर्निंग वालों की ये तो अभी इवनिंग की चल रही थी ना पंच हो गई है बस अभी इवनिंग की पंच हो गई आप लोग लेट हो गए ना मैंने तो 54 प्रेजेंट है बच्चे मैं तो खुद 5 मिनट लेट आई थी ताकि आप लोग जरा जल्दी से आ जाओ और काम शुरू हो जाए ठीक है अब ये पंच हो गई है और अब ये चेंज नहीं होगी आप लोग बहरहाल देख के ना अपना एक दफा जिस इसका कोई कम जा रहा है वो जरा थोड़ा सा विजिलेंट हो जाए परसेंटेज ठीक है अच्छा अपना हमारे पास टाइम है तो ये अगर हम इस तरह वैसे करते हैं ना तो आप ये देखो कि अब 27 मिनट्स हो गए ठीक है तो हमने आज जल्दी से जरा मैं पहले आपको ना एक मैं थोड़ा सा ये लेकर आई थी जो मैं कल आपको फंडामेंटल से पढ़ा रही थी वहां से भी आप एक दफा देख लेना ये एक बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव सा इसका इंट्रोडक्शन था जो कि वो हम इससे फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एफटीआईआर कैसे काम करता है तो बेसिकली प्रिंसिपल इसका क्या है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरोमेट्री ठीक है एंड इंटरफेरोग्राम विल बी ऑब्टेन्ड इंटरफेरोग्राम कैसे ऑब्टेन होगा ये जो है ये इंटरफेरोग्राम है आपका दिस इज द इंटरफेरोग्राम इसमें इंटेंसिटी एंड एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम डोमेन होता है which is interferogram will be obtained which is a complex signal occurs in wave like pattern the signals occur hote hain in the wave like pattern interferogram signal is plotted between intensity versus time clear ho gayi ye baat yahan tak kal bhi humne ki thi इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं जब हम इसे कंप्यूटर से अटैच करते हैं वो एफटी फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को इस पे पुट करता है कैलकुलेशंस करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू और जो स्पेक्ट्रा आता है वो एफटीआईआर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन आ जाएगा इंटरफेरोग्राम से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एफटीआईआर स्पेक्ट्रा विल बी जनरेटेड बिटवीन अब क्या होगा ये जो टाइम डोमेन है इट विल चेंज इनटू द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ intensity versus frequency or wavelength ठीक है अब इसको हम कहते हैं इस instrument को हम कहते हैं interferometer this is the interferometer
रेडिएशन सोर्स आपको पता है क्या है, इसमें नस ग्लोबार, फिलामेंट और ग्लोबार, ये हमने पहले भी पढ़ा था, डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। और अब इसमें नया एक एंट्रेंस क्या है, हमने कल डिस्पर्सिव का डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से इसकी जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो इसमें हमारे पास जो FTIR है उसमें क्या चीज़ है, बीम स्प्लिटर है। दिस स्प्लिट द रेडिएशन इनटू टू पार्ट्स, ये देखिए स्प्लिट करता है टू पार्ट्स में, एक को उसने जौन सा है वो ब्लू से शो किया है और एक को ग्रीन से, एक को हम कहते हैं डिफ्लेक्टेड और एक को नॉन डिफ्लेक्टेड। दिस विल स्प्लिट द रेडिएशन इनटू टू पार्ट्स एंड दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या जी, बीम स्प्लिटर रिकम्बाइन द रेडिएशन, और रेडिएशन को रिकम्बाइन करेगा। And send towards the sample, and sample will transmit radiation, will be passed through the detector. ठीक है जी, क्या होना है कि इसने स्प्लिटर ने पहले स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद दोबारा उसको रिकम्बाइन करके आपके सैंपल से भेजकर डिटेक्टर के ऊपर पेंच करना है। तो ट्रांसमिटेड रेडिएशन विल बी पास्ड थ्रू द सैंपल एंड डिटेक्टर विल डिटेक्ट द रेडिएशन। डिटेक्टर विल गिव इंटरफेरोग्राम processed by the computer through Fourier transform equation and we will get the FTIR spectrum. अब कहता है कि किस तरह से वो स्प्लिट करेगा और किस तरह से वो इसको ज्वाइन करेगा, इसके लिए उसने ये डायग्राम ड्रॉ की है। ये उसने कहा कि ये हमारे पास मूवेबल मिरर है, ये मैंने कल आपको बता दिया था कि ये कॉलिमेटिंग डिवाइस से ये स्प्लिट कर देगा इसको, और एक हमारे पास स्टेशनरी मिरर है और ये हमारे पास मूवेबल मिरर है ग्रीन में। मूवेबल मिरर जो है वो यहाँ फ्रॉम दिस पॉइंट M4 तक मूव कर सकता है, ये इसकी विड्थ है जहाँ पे ये जितना ये मूवेबल है, ठीक है ना। और इसी मूवेबिलिटी की वजह से जो हमारे पास इनके जो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन होती है, जो दो फेजेस वेव्स की जब मिलती हैं तो उन इस मूवमेंट की वजह से मिलती हैं, अदरवाइज तो दोनों की लेंथ जो ये वाला यहाँ से पॉइंट है from this central point to this stationary point, ये दोनों distance same है, इसलिए जब यहाँ पे mirror मौजूद है तो तब जो difference of the path delta है वो zero है। जब यहाँ से move करके mirror M1 position पे जाता है तो अब क्या हुआ कि जो wavelength, अब ये कितना move किया है, जो wavelength हमने दी है उसका by 2, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पे constructive phases में थी दोनों, जो उसके crust से या दोनों के trough से, दोनों वेव्स के जो दोनों यहाँ से लाइट जा रही थी वो क्या है, उन दोनों के यहाँ क्रस्ट है या उन दोनों के ट्रफ्स हैं जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव फेज पास हुई है, ठीक है। जबकि सेकंड, जब ये थोड़ा सा M1 की तरफ मूव करेगा तो लैम्डा बाय 2, एक का जो है वो क्रस्ट है, दूसरे का ट्रफ है, जिसकी वजह से अब क्या होगा यहाँ पे डार्क लाइन अपीयर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा बाय 2 हो गया, फिर थोड़ा सा और आगे मूव करेगा तो दोनों की फिर कंस्ट्रक्टिव फेज की फेज आ जाएगी डेल्टा, ठीक है जी। दिस इज अगेन द डेल्टा और दिस इज लैम्डा बाय 2, ठीक है। ये उसने कहा कंस्ट्रक्टिव कब होती है, इफ डेल्टा इज एन इंटीगर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जब जो आपका डेल्टा है वो किसके हो, इंटीगर मल्टीपल ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा है, ये 2 डेल्टा है, 3 डेल्टा है, जितना भी लैम्डा है, जब वो इंटीगर मल्टीपल होगा तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन है उस वेव की। और अगर डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि डेल्टा is the half multiple integer of lambda, is the half multiple integer of delta, तो तब आपके पास destructive phase आती है। तो इस तरह से ये phases जब जैसे जैसे यहाँ से pass होती है sample के पास जाती है और फिर आपका detector जौन सा है वो उसको इस तरह से जो light sample के पास जाएगी उसमें से जो वो absorb कर लेगा, जो transmitted होगी वो according to that interferogram आपके पास obtain हो जाएगा, ठीक है। अब interferogram में फिर उसने ये equation show की है कि दिस इज द इंटरफेरो, ये दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि FTIR में ये आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो फेजेस हैं ये क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं और ये इंटरफेरोग्राम में क्या रोल प्ले करती हैं। तो ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में वो कहता है कि जो ये इसका एंड क्या आता है कि 2π/k2x2-x1 आता है। तो स्केल ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का स्केल है, अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास देखिए x1, अगर x2 दोनों का डिफरेंस जो है 2
जो आपके पास मिनिमम डिफरेंस है अगर वो 10 का है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, तो जैसे जैसे उनका डिफरेंस ज्यादा होता है, क्या है पी, जो आपका पीक आती है उसकी शेप डिफरेंट होती जाती है। कैसे होती है? जैसे जैसे डिफरेंस इनहांस होता है, बीम स्प्लिटिंग अच्छे होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा जोन है वो क्लियर कट, हर बॉन्ड की अपनी अपनी पीक नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन जो कि यहाँ पे सॉल्व होनी है। इसको हमें कुछ नहीं करना, हमें एज सच जो है वो इस तरह का स्पेक्ट्रा नजर आ जाना है। वो और लोग आ गए भाई? ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या वो कहता है कि ये ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास किस तरह से जो इक्वेशन है वो डिफरेंस जो एक्स का होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा अच्छी होगी, हम कौन सा स्केल चूज करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास बहुत, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होगा और हम इसकी थाउजेंड्स ऑफ पीक्स इन वन सेकेंड जो है वो अपीयर हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके सिग्नल टू नॉइस रेशियो को कम करते हैं और पीक्स को कम करते हैं ताकि सिर्फ प्रोमिनेंट पीक्स ही हमारे पास रहें, क्योंकि हमें इससे क्या लेना होता है, फंक्शनल ग्रुप लेना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद वो कहता है कि अब इसकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि रेजोल्यूशन, जब भी हम इसको देते हैं कि किस रेजोल्यूशन पर हमने स्टडी किया है, तो वो कहता है रेजोल्यूशन जो है वो वेव नंबर की फॉर्म में देते हैं, वेव नंबर इज इक्वल 1/λ होता है ना, 1/λ। अब वो कहता है कि सपोज अगर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, जो लैम्डा है वो क्या है 2 सेंटीमीटर का है, तो क्या होगा डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर वो ये फॉरवर्ड होगा और फिर वो वापस बैकवर्ड मूव करेगी, तो ये टोटल 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस सेंटीमीटर जो है वो 1/λ जो है वो कवर करेगी। जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 पर सेंटीमीटर इज द रेजोल्यूशन ऑफ दिस FTIR। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा इसका कॉम्प्रिहेंसिव सा अंडरस्टैंडिंग थी। इसके बाद हम चलते हैं अपने एक और शेयरिंग की तरफ, शेयर पे जाएं हम। एक तो कल वाले भी आप पढ़ लीजिएगा, अगर फिर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे वहां से डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर मैं कर दूंगी, क्योंकि अब ये जो टाइम है ना वो हमारे पास कुछ कम होता जाता है। अच्छा, ये एक मैंने बुक से नहीं, दूसरी बुक ढूंढी थी, इसमें जरा सिंपल लिखा हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन है और यहाँ पे बताया हुआ है कि डिस्पर्सिव में सिंगल बीम IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और यहाँ पे डबल बीम, देखे ना, ए सिंगल बीम मॉडल है, इट्स प्रिंसिपल इज स्टिल यूज फॉर मेजरमेंट एट अ सिंगल वेवलेंथ, और ये बी जॉन सा है, दिस इज ए डबल बीम मॉडल है, इसमें डबल बीम मॉडल है। सेक्टर मिरर क्या करता था कि हाफ लाइट को वो मूव करता था रेफरेंस बीम की तरफ और हाफ को वो मूव करता था सैंपल बीम की तरफ, तो यहाँ पे सिर्फ एक इस एडिशन की वजह से ये इट विल एक्ट एज अ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये क्या है, दिस इज, अब यहाँ पे जो है वो मोनोक्रोमीटर यहाँ से अमिट होकर यहाँ पे इंटरफेरोमीटर आ गया है, तो नाउ दिस इज नोन एज द स्कीम फॉर द FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये डबल बीम की एक है स्कीम है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसी कि हमने यूवी में देखी थी। ठीक है, अब ये FTIR का हम यहाँ से देख लेते हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना सबको क्या है? ओके बच्चों को समझ आ गई है, चलो शुक्र है। अच्छा, अब FTIR यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो इरेडिएशन फ्रॉम द सोर्स कौन सी है, वो अब वो कहता है बीम स्प्लिटर के पास जाएगी। मैं जल्दी जल्दी कह रही हूँ ताकि हमारा याद कवर हो जाए। तो बीम स्प्लिटर किसका बना हुआ है, जर्मीनियम फिल्म का बना हुआ है और उसके ऊपर अल्काइल हैलाइड की सपोर्ट है फॉर द मिड IR रेडिएशन, हम मिड को ही देख रहे होते हैं, और दिस डिवाइस अलाउ द जनरेशन ऑफ 2 बीम्स, हमने डिस्कस कर लिया, एक फिक्स मिरर के पास जाएगा, एक मोबाइल मिरर के पास जाएगा, द 2 बीम्स लेटर रिकम्बाइन करेंगी अलॉन्ग द ऑप्टिकल पाथ travel through the sample before hitting the detector which measure the global light intensity received, this is a multiplexing phenomena applied to the optical signal, the heart of the Michelson interferometer is the moving mirror, baat ho gayi that oscillate in time between 2 extreme positions, when its position is such that the path traveled by both beams in the same length, the light composition of the beam exists exiting
द इंटरफेरोमीटर इज आइडेंटिकल टू दैट व्हिच एंटर्स. ठीक है ना, जब वो दोनों सेम लेंथ पर होंगी तो वो एग्जैक्टली वैसी होंगी जैसी कि वो एंटर हुई थी. हाउएवर व्हेन द मोबाइल मिरर इज आउट ऑफ इट्स पर्टिकुलर position, the composition of the light beam varies due to the loss of phase between the two beams. बात होगी phases किस तरह से change होनी है, constructive और destructive, इसको कहते हैं loss of phase. The transmitted signal which varies with time is recorded as interferogram, where delta represents the path difference between both beams. ठीक है ना, हमने देखा था कि delta कौन सा है, अगर वो integer multiple है lambda का तो वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव बनाएगा, और अगर वो हाफ इंटीग्रल है तो वो डिस्ट्रक्टिव वे बनाएगा. इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस इंटरफेस कंट्रोल्स द ऑप्टिकल बेंच एंड डाटा एक्विजिशन. ठीक है, ये कंप्यूटर ये काम करेगा. ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिरर जो एडीसी कन्वर्टर है लिंक्ड टू द डिटेक्टर सैंपल थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट अक्रॉस द इंटरफेरोग्राम. ठीक है जी, अब ये डीसी करंट और एसी करंट जहां पे आकर उसको कन्वर्ट करेगा. Each of the values recorded corresponding to the values हाँ वो हम जो है वो हर सेकेंड पर वो जो फॉर्मिडेबल लीनियर इक्वेशन जो अभी हमने देखा फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन उसको वो सॉल्व करेगा वो कंप्यूटर. और हमारे पास फॉर ईच एंड एवरी बॉन्ड फॉर ईच सेकेंड के लिए हमारे पास एक ऑप्शन पी का आ जाएगी. माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट्स यूजिंग दीज थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज अ जॉइंट मैट्रिक्स यूजिंग अ रैपिड ट्रांसफॉर्म एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय द कोले. ने इसको डेवलप किया था और कंप्यूटेशन लीड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रल बैंड यूजिंग अ रेजोल्यूशन फैक्टर इम्पोज्ड बाय द कैलकुलेशन. अ क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम can be obtained. ठीक है ना, अब वो कहता है कि basically ये intensity is equal frequency और frequency या lambda multiply और I is equal f और wave number. इस तरह से हम इसको show करते हैं. ये again उसने इसका interferometer जोन सा हमारे पास है ये उसने दिखाया कि ये किस तरह से ये germanium की बार होती है 45 के angle पर होती है. जब इस पर light पड़ती है तो half reflect होती है half deflect रहती है. उस तरह से पास होकर लाइट कौन सी है वो जाती है आपके पास. ये यहाँ पे इसने फिर दिखाया कि ये उसने कहा कि लेजर यहाँ पे लाइट सोर्स पड़ी है. लाइट सोर्स से फिर लाइट ने ये आपका मूविंग मिरर, ये दिस इज द मूविंग मिरर और ये कॉलिमेटिंग डिवाइस है. यहाँ से लाइट पास होकर आई आर सोर्स और इसने ये दिखाया है. या लेजर भी हो सकता है, आई आर सोर्स भी हो सकता है. ये आपका स्टेशनरी मिरर है, मूविंग मिरर है, और उसके बाद फिर लाइट कौन सी है वो कहाँ से गई है जी आपका. ये दिस इज द डिटेक्शन ऑफ लेजर है, सेकंड ऑप्टिक है. फिर ये सैंपल कंपार्टमेंट की तरफ लाइट आती है और ये डिटेक्टर के पास जाती है. ये सारा प्रोसेस है एफटीआईआर का. इन डिटेल में आपको वहाँ पे भी काफी बहुत ज्यादा अच्छी डायग्राम है, उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लो और उसको ड्रॉ कर देना. टू ऑब्टेन अ सैंपल स्पेक्ट्रम इक्विवेलेंट टू द वन ऑब्टेन्ड ऑन अ डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर द स्पेक्ट्रा ट्रांसमिट इंटेंसिटीज आर रिकॉर्डेड द फर्स्ट विदाउट सैंपल एंड सेकेंड विद सैंपल. इनके बैकग्राउंड जो है वो एब्जॉर्प्शन वो एडसेट एडजस्ट हो जाती है. और द कन्वेंशनल परसेंट ट्रांसमिटेंस स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द टू प्रोसीडिंग मेजरमेंट्स. फ्रेंच मैथमेटिकल फोरियर हैज बिकम इवन मोर फेमस विद द ग्रोथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है पैकेज. इन जनरल टर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट अलाउज द यूजर्स टू गो फ्रॉम द मेजरमेंट डोमेन टू अनदर. वन मेजरमेंट डोमेन टाइम था, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से. ये उसने डिफरेंट दी हैं आपके पास. ये सिंगल सिंगल बीम की उसने कहा है क्या, ये यहाँ पे वेव नंबर है और यहाँ पे ट्रांसमिटेंस आती है और इस तरह से पीक्स आ रही है हमारे पास. नंबर ऑफ स्कैन्स उसने फोर किया है. रेजोल्यूशन हमने मेंशन करनी होती है कि कितनी है, फोर पर सेंटीमीटर है. कितनी दफ़ा हमने स्पेक्ट्रम को लिया है, गेन वन है. किस डेट को किया था और इसकी बैकग्राउंड कौन सा है वो हम जो है वो. ये उसने कहा कि ये जो पीक है, ये जो एरिया है, दिस विल शो द बैकग्राउंड पीक. पहले मेंशन कर दिया उसने. ठीक है जी. अच्छा, अब नेक्स्ट में उसने क्या कहा कि ये जो स्पेक्ट्रा है सिंगल बीम का है ये भी, और इसमें नंबर ऑफ स्कैन्स फोर, चार दफा हमने उसको स्कैन किया है. तो आपके पास इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना, इसको
हम कर रहे हैं, तो एक दफा किया फिर जब फोर टाइम स्कैन किया तो आपके पास ये रेजोल्यूशन वही, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेम है तो रेजोल्यूशन सेम रहेगी। और इसके बाद फिर अगर हमने उसने कहा कि और नीचे जाएं, तो FTIR is a simultaneous method in that signal processing is global, each spectral point is calculated from all the given data. इसको हम डिटेल से नीचे इसकी कैप्शन पढ़ते हैं। Sequence of events necessary to obtain a pseudo double beam spectrum with a Fourier transform IR. The instrument record and store in its memory two spectra representing the variation of the blank and sample as a function of wave number. Then it calculates the conventional spectrum which is identical to obtain on a double beam instrument by calculating the ratio transmittance is equal frequency for each wave number. Atmospheric absorption is thus eliminated. The figure illustrates the spectrum of polystyrene film. ये polystyrene film का spectrum है जो कि हमें FTIR से obtain होगा, ठीक है जी। अब FTIR के क्या advantages हैं over the dispersive? There is no stray light and replacement of the entrance slit by an iris yields a brighter signal so that the detector receives more energy. ठीक है जी, डिटेक्टर जो है वो मोर एनर्जी लेगा क्योंकि कोई स्ट्रे लाइट नहीं है और ब्राइटर सिग्नल आते हैं, दो बीम स्ट्रॉन्सी एट अ टाइम वर्क कर रही होती हैं। द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज मच हायर देन द सीक्वेंशियल मेथड बिकॉज इट कैन इंक्रीज बाय एक्युमुलेटिंग सेवरल स्कैन। ठीक है, हम सेवरल स्कैन से जब लेते हैं तो हर दफा सिग्नल स्ट्रॉन्स हैं वो इनहांस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द नॉइस। Wavelengths are calculated with a high precision which facilitate the comparison of the spectra. The resolution is constant throughout the domain study. Ek spectrophotometer pe kaam karenge to resolution jo hai wo hamesha constant rahegi. This method will soon replace aur balki wo kar chuka hai sequential method for IR spectrophotometer. Okay ji, ye tha aapka no, ji mam yahan pe aakar pe bataya gaya ki resolution constant hai throughout the measurement. लेकिन हमने मूवेबल मिरर में पढ़ा नहीं है कि जब मूवेबल मिरर का डिस्टेंस वेरी करता है, वेवलेंथ का डिस्टेंस वेरी करता है, तो वो रेजोल्यूशन पे भी असर नहीं, नहीं 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 रेजोल्यूशन पे असर नहीं पड़ता। रेजोल्यूशन हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी था ना, वो वेव नंबर इज इक्वल 1 ओवर लैम्डा। वो जो मूवेबल रेजोल्यूशन वो होती है जो कि उस मिरर मूवेबल मिरर की, मैं एक मिनट दोबारा दिखाती हूँ आपको वो वाली हमारे पास कहाँ है जी, शेयर पे जाए अगर हम। हाँ, रेजोल्यूशन ये देखें, ये यहाँ से M से लेके M4 मूवेबल मिरर कौन से एक्सटेंट तक मूव कर सकता है, ये इसका डिस्टेंस कौन सा है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से लाइट जाती है, देखे ना, ये लाइट यहाँ से यहाँ मैक्सिमम गया मिरर और फिर वापस आया, तो ये आपका बन गया 2 से 4 सेंटीमीटर बन गया। और जब 1/4 हमने डिवाइड किया तो 0.25 पर सेंटीमीटर, ये इसकी रेजोल्यूशन आ गई। रेजोल्यूशन ठीक है जी, तो ये कॉन्स्टेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो कॉन्स्टेंट है। ये सपोज हमने कहा कि 2 है, 2 सेंटीमीटर है प्लस माइनस 2, इसे यहाँ पे मूव करना है फिर माइनस होना है, तो कितना हो गया 2 और 2, डबल फासला तय किया गया तो 4 पर सेंटीमीटर। तो रेजोल्यूशन क्या है, 0.2। जिस तरह आपका एक स्केल होता है ना, एक स्केल इंचेस का है, एक सेंटीमीटर का है, मिलीमीटर का है, तो अब इसका मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, वो 0.25 पर सेंटीमीटर पर हमें पीक कौन सी है, इतने डिस्टेंस पे नजर आएंगी, इतना उसकी जो रेजोल्यूशन है वो इतनी होगी। ठीक है, तो रेजोल्यूशन कौन सी है ऑन डैट बेसिस, क्योंकि ये डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी कर सकता है। इंटरफेरोमीटर अगर हम रिप्लेस करते हैं तो उसमें वेरी कर सकता है, लेकिन अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं और उसमें एक ही इंटरफेरोमीटर है तो फिर उसकी रेजोल्यूशन जो सी है वो चेंज नहीं हो। ओके जी, जी मैम, ठीक है जी, सबको क्लियर है, बोलो जी, सोए हुए हो सारे? अच्छा नहीं, नहीं। अच्छा चल, जाग रहे हो, जाग रहे हो, ओके हाँ जी मैम जी बेटा, हाय ला, तुम तो बहुत ही थके हुए हो, क्या हो गया मैम? ये जो बीम स्प्लिटर है इसमें से लाइट पास करेगी और ये मूवेबल और पास नहीं करेगी, सॉरी बेटा, पास नहीं करनी, उसने इससे स्ट्राइक करना है और हाफ इधर जाएगी, हाँ रिफ्लेक्ट और ये डिफ्लेक्ट और अनडिफ्लेक्ट रहेगी, या रिफ्लेक्ट या अनरिफ्लेक्ट रहेगी।
लेकिन जो है मिरर उसमें से रिफ्लेक्ट करने के बाद दोबारा भी ये स्प्लिट करेगी या ये डायरेक्ट सैंपल की तरफ जाएगी? यहाँ से दोबारा फिर ये दोबारा स्प्लिट नहीं करनी, ये देखिए यहाँ से सोर्स से आएगी तो स्प्लिट करेगी यहाँ और फिर यहाँ पे मूव करेगी, yes, ma'am. ठीक है? और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से ये यहाँ पे मूव वापस आएगी, ये देखे ना ये ब्लू लाइट यहाँ वापस आ रही है, ग्रीन लाइट यहाँ से वापस आ रही है. अब दोनों ने एट अ टाइम जो है वो मूव करना है. जब ये इस पोजिशन पर है तो दोनों का जो पाथ लेंथ है वो चेंज नहीं है, जिसकी वजह से अब जो सा चूंकि पाथ लेंथ चेंज नहीं है तो ये आपके पास जो है वो फेजेस अब आएंगी ना टाइम टू टाइम, एक सेकंड के मिलीमीटर के हिस्से में या नैनो सेकंड या पिको सेकंड के हिस्से में. अब टाइम डोमेन पे आ रहा है, जैसे जैसे ये मूव करेगा हर दफा एक नई बीम जो सी है वो यहाँ से पास हो रही है और वो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीक उसने कहा तो यहाँ पे साथ साथ वो कैलकुलेशन होती जा रही है. इस तरह का आपके पास स्पेक्ट्रा आ रहा है, ठीक है? ये हमने पहले बात कर ली कि ये ऊपर वाली पीक को हम ट्रांसमिटर्स कहते हैं, ये यहाँ पे इसकी जो सा है वो एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है? कोई और बात? 6 मिनट्स रहते हैं अभी. अच्छा जी, अब आपके पास कल हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन को डिटेल से भी, अभी और हम वैसे पढ़ सकते हैं डिटेक्टर्स को पढ़ लें और के पास ठीक है इतना, क्योंकि बेसिक बाकी जो है डिटेक्टर सिंपल वही है जो मैंने बता दिए थे आपको. सिर्फ ये है कि अब आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो कल हमने जैसे देखा था कि हमारे पास थे फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर से भी हो जाते हैं और पायरोइलेक्ट्रिक कंडक्टर से भी डिटेक्टर से भी ये जो है इनकम सिग्नल्स को रीड आउट कर सकते हैं. तो दोनों का डिफरेंस बताएगा कोई मुझे? अच्छा मैम, पायरोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो है वो हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जबकि फोटो कंडक्टर जो है वो फोटॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. हाँ, ये जो आपने फंडामेंटल उधर से भी आप पढ़ लीजिएगा, इन नोट से भी पढ़ लीजिएगा, फिर अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें तो कल हम इसका जो है वो डिस्कशन सेशन रख लेंगे, ठीक है? यानी कल अभी हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ के फिर हम इसका डिस्कशन सेशन रखेंगे, ठीक है? कल इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है जी? तो जो फोटो कंडक्टर है उसमें फोटोवोल्टिक भी कह सकते हैं उसको, कि उसमें जो फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं और डैट बेसिस हमारे पास सिग्नल आते हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि ये वहाँ पे जो फोटो डायोड लगा होता है जिसकी वजह से वो कैरियर्स और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी चिप है जो कि हीट सेंसिटिव है या जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव है, जब उस पर लाइट हमें पड़ती है तो वो क्या करती है, वो जो है वो करंट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हम अपने डिटेक्टर्स जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी? तो पढ़ लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कल हम इसको वाइंड अप कर देंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, हैप्पी साथ साथ पढ़ते जाओ. तो कोई क्विज विज कोई असाइनमेंट का भी कोई प्लान करके मुझे बताओ कि क्या किया जाए. मैम ईद के बाद स्टार्ट कर लें. ओके, ठीक है, ईद के बाद कर लेंगे ये कल वाला लेक्चर लेके, तो फिर हम इसको ईद का वाला कल तो ऑफ नहीं है, आपने कहा था एक वीक में, हम दो दिन लेंगे. हाँ, फिर वो फिर अभी एक और क्लास लेनी पड़ेगी. मैम कल हमारा इनऑर्गेनिक का क्विज भी है. हर रोज ही क्विज होता है, कल भी था और उसके बाद सारे व्हाट्सएप पे बातें कर रहे थे. मैम असल में इनऑर्गेनिक का सिलेबस एंड हो चुका है, आजकल क्विज चल रहे हैं. अच्छा, चलो ठीक है, फिर ईद वाला वीक भी फिर आप लोगों ने फिर पीर को मंगल बुध फिर वो वाला वीक भी मिस हो जाएगा. चलिए ठीक है, व्हाट्सएप पे फिर कर लेंगे, ठीक है? या फिर इसके आप ऐसा करो ईद के बाद ही रहते हैं. अच्छा, फिर ऐसा करो, इसका ये है कि आप लोगों ने ना इसकी जो एप्लीकेशन है वो खुद पढ़ लेना, ठीक है? फिर किसी को भी क्वेश्चन होगा तो फिर हम ईद से फौरन बाद वेरी फर्स्ट वीक में जो है ना फर्स्ट में हम इसके डिस्कशन सेशन कर लेंगे, ठीक है? एप्लीकेशन मुश्किल नहीं है, सारी वही बातें हैं जो हमने पहले की हुई है, ठीक है? ठीक हो गया मैम. एग्रीड सब स्टूडेंट्स, ठीक है? यस. अदरवाइज का क्लास ले लो तो कल फिर मैं इसको वाइंड अप कर देती हूं, तो मुझे फैसला करके बता देना, ठीक है? वो जैसे मॉर्निंग में भी लंबा सारा फैसला किया था ना, ठीक है? ओके ओके, मैम टेक केयर, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू मैम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.